ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। वैसे तो मैंने सुबह से ही बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है मेरी लाइफ का। जैसे आपको मैंने हमेशा अपने व्लॉग्स में बताया है कि मैं बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ और माशाल्लाह अल्तमश 10th क्लास में आ गए हैं, तो आज अल्तमश का बोर्ड का एग्ज़ाम है, इंग्लिश का बोर्ड का एग्ज़ाम है और मैंने कैसे तैयारी कराई है बस मैं जानती हूँ। काफ़ी टफ रहा क्योंकि तीनों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और तीनों को मैनेज करना इट्स ऑलमोस्ट अ टफ वर्क फॉर मी। तो व्यूअर्स, एक हाउसवाइफ के साथ साथ और मदर के साथ साथ यूट्यूब चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बस आप लोग के कोऑपरेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और माशाल्लाह अल्तमश की काफ़ी अच्छी मैंने प्रिपरेशन करा दी है और अब देखते हैं, अभी थोड़ी देर में अल्तमश आएंगे तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे और उनका कैसा एग्ज़ाम गया सब कुछ आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। फिलहाल तो आप सुबह के सारे मेरे क्लिप्स देखिए और जो पूरे दिन करूँगी सब कुछ आपके साथ मैं इस ब्लॉग में दिखाऊँगी भी और बताऊँगी भी। तो चलिए, फिलहाल तो माहीन और हयात की छुट्टी है, वो भी अभी तैयारी कर रही हैं, उनसे भी मैं अभी आपको मिलवाती हूँ। तो बगैर देरी करें वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूज़, आज अल्तमश का फर्स्ट बोर्ड का एग्ज़ाम है और मैं हमेशा की तरह आज फिर से सूरे इल्म की सूरत का पानी फूककर अल्तमश को दूंगी। ये 29वें पारे की दूसरी सूरत है। आप आगे पीछे दुरूद शरीफ 3 बार लगाकर एक बार ये सूरत पढ़कर पानी पे दम कर कर और बच्चों को पर दम कर कर बच्चे को एग्ज़ाम देने भेजिए। और अल्लाह के नाम से शुरू हुआ काम तो हमेशा सबसे अच्छा होता है और बच्चों ने तो मेहनत एग्ज़ाम के लिए की है, बस दोनों चीज़ें काम करेंगी तो इंशाल्लाह बच्चों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी ज़रूर इसे पढ़ा करें, बच्चों के काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम जाएंगे। तो बस अभी मैं पानी पिलाऊँगी, ब्रेकफास्ट करवाऊँगी अल्तमश को रेडी। अल्तमश अभी जाएंगे होने के लिए और सारी चीज़ें उन्हें इंपॉर्टेंट उनके जितने भी आई कार्ड वगैरह हैं सब चीज़ें दूंगी। आगे जो जो करूँगी सब कुछ आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी भी रख लिया है अल्तमश को दम करके पिलाने के लिए और बस आगे व्लॉग में बने रहिएगा। डर है या क्या फीलिंग है तुम्हारे अंदर? डर होता तो मैं 10 बजे सो जाता। हाँ, ये भी बात है, फ्री होकर एग्जाम देना है, नो टेंशन, है ना? जिस हमें अपना 100% देना है ना, डरने से तो जो आता भी होगा वो भी भूल जाएंगे। ये लो पानी मैंने पढ़कर जो भी दिया था मैं वो पी लो। और पेपर बहुत अच्छे से देना, अच्छे से रीड करना और सब कुछ बहुत अच्छे से जो है याद करा हुआ लिख देना। मैंने बहुत अच्छी सी तुम्हारी प्रिपरेशन कराई है इंग्लिश की, सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझाए हैं, पढ़ाए हैं, जितना मैंने समझाया पढ़ाया जिस जिस तरीके से, तो मैं बिल्कुल वैसे ही सारे आंसर्स लिखने अपने, ठीक है? ऑल द बेस्ट। अल्तमश की चाय रखी है और सारा उसके इम्पोर्टेंट आई कार्ड वगैरह है और बॉक्स वगैरह है, सब कुछ रेडी है। बस अब अल्तमश इंशाल्लाह निकलने वाले अपने एग्ज़ाम के लिए और अल्लाह ताला सब बच्चों को जो जो एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छे मार्क्स दे और उनके सारे पेपर बहुत अच्छे जाएं। ये मेरी तरफ से दुआ है सारे बच्चों के लिए। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अल्तमश तो गए हुए हैं अपना एग्ज़ाम देने और माहीन और हयात दोनों अभी यहाँ पर अपनी तैयारी कर रही हैं। हयात ने तो लर्निंग का वर्क कंप्लीट कर लिया था, हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको व्लॉग्स में बताया है कि हयात इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन ड्राइंग और वो अभी फिर से ड्राइंग कर रही हैं। उन्होंने बनाई है बर्ड, मैं आपको दिखाती हूँ व्यूज़, है शोमी ना? तो व्यूज़ आप देख सकते हैं हयात माशाल्लाह सेम टू सेम ड्रॉ कर लेती हैं। और अब चलते हैं माहीन के पास। माहीन का एग्ज़ाम फ्राइडे को है इंग्लिश का, तो कैसी प्रिपरेशन अभी तक हो चुकी है तुम्हारी? अच्छी हो गई है। और तुम्हारे अंदर टेंशन है भाई का एग्ज़ाम कैसा होगा? शायद से नहीं, मम्मा ने बहुत मेहनत करवाई है भाई को। हाँ इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। और बाकी स्टूडेंट को क्या कहना चाहती हो? होप फॉर द बेस्ट, सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनके सारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएं। तो तुम भी अपना प्रिपेयर कर लो। देखा हयात और माहीन दोनों अपनी प्रिपरेशन कर रही हैं और अल्तमश तो गए हुए हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए। और ये मेरा मैसेज बाकी मदर्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर। तो आपका मदर बहुत ज़्यादा
घबराती हूँ कभी कभी, लेकिन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके हिसाब से पढ़ने देना चाहिए कि उनकी कैपेसिटी क्या है, कि वो किस तरीके से बच्चे, अब वो टाइम चला गया है कि बच्चे आंसरों को रट लेते थे और लिख देते थे, आज का टाइम है बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए और फिर बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। मैं भी यही करती हूँ, बच्चों को अच्छे से समझाती हूँ और फिर वो काफ़ी अच्छा लिख पाते हैं। आपके साथ यही सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि उनकी लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, तो सारी मदर्स बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगी कि उनके एग्ज़ाम कैसे जाएंगे। हमें उन्हें टेंशन ना देकर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए कि आप बहुत अच्छा करोगे और कर सकते हो। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करिए और उनकी मेहनत पे विश्वास रखिए, इंशाल्लाह सब बच्चों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे। और सारे बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, और जो बच्चे बोर्ड के अलावा भी अपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम, उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। अभी मैं और हयात ऊपर आ चुके हैं, हमारी आँखें बिल्कुल नहीं खुल रही हैं, मतलब मेरी अभी। तो व्यूज़, यहाँ पर लंच में मैं बच्चों के लिए बिरयानी प्रिपेयर कर रही हूँ और अल्तमश भी आ गए हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा अल्तमश का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, कैसा रहा? तो चलिए उन्हीं से ही पूछते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया। अल्तमश अपना एग्ज़ाम दे के माशाल्लाह आ चुके हैं, कैसा रहा बेटा पेपर? बहुत अच्छा गया, बढ़िया वाला था। अच्छा चलो, तो व्यूज़ अल्तमश अभी थक कर आए हैं, मैं खाना वगैरह देती हूँ और फिर हम मिलते हैं आपसे। तो व्यूज, बिरयानी बन गई है और आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है। जो बहुत देर से वेट कर रहे हैं खाने का और फिर हम खिला के फिर आपसे मिलते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो व्यूज़, यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए खाना लगा दिया है, अभी बच्चे खाना खाते हैं, आप लोग भी आ जाइए खाना खा लीजिए। बिरयानी काफ़ी टेस्टी बनी है और आज मैंने हयात की रिक्वेस्ट पर बिरयानी बनाई थी और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ फेवरेट है लाल चटनी। तो मौलाना साहब यहाँ पर आज हमें इनविटेशन देने आए हैं, ये हमारे बच्चों के मौलाना साहब हैं। तो मौलाना साहब बताइए, आप किस चीज़ का इनविटेशन आज देने आए हमें? आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की बरकत से जो है हमें दस्तार आलमियत है। अच्छा माशाल्लाह, इसकी खुशी के लिए आपके पास जो है मैंने दावत देने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि दावत नहीं दूंगा तब भी आप पहुँच जाएंगे, चलो ये उम्मीद है मुझे। और नसीब को जरूर तशरीफ लाना है, मैं जरूर आऊंगा, आप लोग दुआ करते रहे बस। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और तरक्की और कामयाबी दे। आमीन आमीन। तो मैं तो आना ही आना है, पापा को लेकर साथ में आना है ना, दस्तार बंदी है, क्योंकि शागिर्द को रहना चाहिए, जब उस्ताद की हो तो शागिर्द जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो आपसे ही इंस्पिरेशन लेंगे। जी जी जी, क्या हमारे जो है टीचर इतने आगे बढ़ गए हैं तो स्टूडेंट भी आगे जाएं। बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, बस आप दुआ करिएगा कि अच्छे से इनके बोर्ड एग्जाम चले जाए। हमारे भी एग्जाम चल रहा है। अच्छा हाँ, तो जिसके उसके भी तैयारी कर रहे हैं, मैंने कहा मगरिब से पहले पहले दावत पहुँचा। तो व्यूज, अल्तमश भी आ गए, जैसे मैंने आपको दिखाया माशाल्लाह अल्तमश का पेपर बहुत अच्छा गया है। बस उम्मीद करती हूँ बाकी सारे एग्ज़ाम भी अच्छे से चले जाएं और माहीन और हयात भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, उनके भी एग्ज़ाम अच्छे जाएं। आगे आपको व्लॉग्स में बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी कि बच्चों के क्या मार्क्स आए हैं, क्या रिज़ल्ट आया है, सब कुछ आपके साथ व्लॉग में शेयर करती जाऊंगी। और अभी तो बच्चे फ़िलहाल मेहनत में ही लगे हुए हैं, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर करी। उम्मीद करती हूँ बाकी वीडियो की तरह भी आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ अपनी एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।